गाते वक्त आयरा के गुनगाने का नहीं, प्रोजेक्ट हासिल करने का है। यू डू अंडरस्टैंड? जैद तो सो, उसे डिस्टर्ब मत करो। जैद मैं आहिस्ता बोलो, सो रहे हो तुम? रात वाली बात को लेके अब तक नाराज हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो जल्दी से प्रेजेंटेशन बना के सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें मनाने के लिए। तुम दिखाओ होमवर्क अपना। ठीक है, ये भी कंप्लीट करो और ये घर जाके करना होमवर्क, ठीक है? कासिम तुम दिखाओ। किताब तो सही से रख लो। अच्छा, इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट वाला घर जाके करना होमवर्क, ठीक है? शाबाश कासिम, जा जाके देख करो कौन है। मैं देख रही हूँ, सही से करो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे तुम अचानक, बताकर तो आती। बस ऐसे ही आपसे मिलने का दिल किया तो चली आई। अच्छा किया भाभी। ये बच्चे? बच्चों चलो छुट्टी, लेकिन कल टाइम से आना सारे, ठीक है? अभी छुट्टी, तुम्हें मैंने जो बताया वो जरूर होमवर्क करना, ठीक है? चलो शाबाश। घर में सब ठीक ठाक? आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफिज। चलो अपनी किताबें यही भूल गए। चलो कल दे दूंगी, आओ बैठो। घर में अकेली होती हूँ ना, डिप्रेशन होने लगता है, इसीलिए चंद बच्चों को ट्यूशन दे रही हूँ। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। नहीं सॉरी किस बात के लिए? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा उस घर में रहना और वहाँ टाइम देना ज़रूरी है। अब इन मोहल्ले वालों ने अपने बच्चे यहाँ कैसे छोड़ दिए? क्योंकि अब कोई पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है ना, बस इसी वजह से। अब मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं मैं बनाती हूँ। क्यों, अब मेरे हाथ की चाय तुम्हें पसंद नहीं है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप मुझे पराया ना करें, ये भी तो मेरा ही घर है। चाय भी है भाभी, ये कहाँ खो गई है? मैं तुम्हारी बेवकूफियां सोच सोच के परेशान हो रही हूँ आयरा। भाभी क्या? भाभी तुम्हारा ससुराल है वो, अब ये वाला घर नहीं है। पहले जॉब और अब ये प्रोजेक्ट, तुम्हें नहीं लग रहा तुम हद से आगे बढ़ रही हो? जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। मैं मजाक नहीं करी, सीरियस हूँ आयरा। मैं भी सीरियस हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे रखोगी? उनके मुकाबले में आके खड़ा होना चाहती हो तुम? उन्हीं का प्रोजेक्ट लीड कर रही हो, वो भी उनके ऑपोजिट।
क्या तुम्हारे ससुर को बुरा नहीं लग रहा होगा? और वो प्रोजेक्ट वो भी चाहते हैं। तो लगता रहे बुरा, मुझे भी उनकी कई बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वो तो मेरा लिहाज नहीं करते। अच्छा छोड़ो, बताओ जैद क्या चाहता है, वो क्या सोचता है? जैद मुझसे मोहब्बत करता है, और जब तक वो मुझसे मोहब्बत करता है मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ। चलो फिर ठीक है, खुश रहो। अभी तक जाग रहे हो? No, just talking to friend. नींद नहीं आ रही। Which friend? है एक दोस्त, तुम नहीं जानती उसे। सो जाओ ना कृष्णा, you need some rest. Thank you. Good luck to both of you. Thanks. Let's go. See you.
I'm pleased to announce that this project has been won by Fakhr Group of Industries. शाबाश आरा, वेल डन, बड़ा खुशी का दिन है आज। सर, लाइक दे से, टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन 5 साल से हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लगे हुए थे। गुड गर्ल, वेल डन। ऑफिस आना, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करनी है हमने। थैंक यू। Congratulations. Good job. Thank you so much. So happy today. I'm sure. See you. Yeah. जी मुबशरा, सो टेल मी द गुड न्यूज, वी गॉट इट राइट। कंग्रेचुलेशंस, ये प्रोजेक्ट फकर ग्रुप्स को चला गया। व्हाट यू मीन वी लॉस्ट इट? आई सेइंग वी डिडंट गेट इट? क्या हुआ मतलब, व्हाट हैपेंड मुबशरा? अब आपके ये हाउ का मैं क्या जवाब दूं अंकल? उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। नहीं मिला? Fakhr, I'll deal with you later. फोन बंद है उसका। तो और क्या करेगा वो? अपनी बीवी तक को तो संभाल नहीं सका, जिसकी वजह से आज सारी बिजनेस कम्युनिटी में मेरा मजाक बन रहा है। अंकल, he is also suffering with us. He is the cause of our suffering. खैर, अब जो होना था सो तो हो गया। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स नहीं है। आज से पहले कभी सुना है कि एक बहू अपने ससुर के राइवल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दे? तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती हो? तुम इस प्रोजेक्ट की लीड थी। आई मेड यू इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि आयरा ने तुमसे यह प्रोजेक्ट स्नैच कर लिया। शी वॉन्टेड फॉर योर राइवल्स। मेरे यूं बीपी हाई करने से प्रोजेक्ट वापस तो नहीं मिल जाएगा, और मैं ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देती जिसका कोई फायदा ना। मैं सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करती हूं। सो गाइस, टुडे इज अ वेरी बिग डे फॉर अस। फकर ग्रुप एंड कंपनीज को ये टेंडर बहुत मुश्किल से मिला है। आई वॉन्ट नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस प्रोजेक्ट।
We have to give our 200%. Done? Let's do this. Sir. Mubarak, 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 everybody. मैं बड़ी खुशी से आपको ये कह रहा हूँ कि हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया. सो आई थैंक यू वेरी मच. आप सबको बोनसेस भी मिलेंगे. एंड थैंक यू यंग लेडी फॉर हेडिंग द प्रोजेक्ट. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. मुझे एक्चुअल फ़ख्र है कि फ़ख्र ग्रुप ऑफ कंपनीज को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. यू आर गोइंग टू बी हैविंग डिनर विद मी वेरी सून. आप अपनी मीटिंग कर लें, ठीक है? एंड देन वी आर गोना हैव अ पार्टी, वी आर गोना हैव फन. ओके, थैंक यू सो मच सर. यू आर वेरी वेलकम. Well done, everybody. Bonuses mil rahe hain, aap to khush ho jayein sir. सर, खाना तैयार है. आप जाएं हमारे. अंकल, आपके इस तरह बैठे रहने से प्रोजेक्ट हमें वापस तो नहीं मिल जाएगा ना. चलें खाना खाते हैं. जैद, चलो. बीवी कहाँ तुम्हारी? फिर तो तुम्हारे साथ ठीक हुआ. जिस शौहर को यह ना पता हो कि उसकी बीवी कहां है, तो उसके साथ वही सलूक होता है जो आयरा तुम्हारे साथ कर रही है. अफसोस. अंकल, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं. चलें अभी खाना खाते हैं. आ जाओ जैद. अस्सलाम वालेकुम. आई एम सो सॉरी, आज थोड़ी सी देर हो गई. एक्चुअली फखर साहब ने सारे एम्प्लॉयज के लिए डिनर रखा हुआ था. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. जिस शख्स की वजह से मेरे लाखों करोड़ों को नुकसान हुआ है, तुम उसे शाबाश दे रही हो. अंकल, किसी की जीत पर उसे अप्रिशिएट करने में तो कोई बुराई नहीं है. और फिर आयरा तो हमारी अपनी है. है ना जैद? Yes. You got it? Oh, really? Yeah. The contract? Yeah. Oh, my God. Congratulations. Sorry. I'm really sorry. तुम्हारी इतनी कॉल्स आई, इतना शोर था, मुझे पता ही नहीं चला. लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मैंने फौरन तुम्हें कॉल बैक की, मगर तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. तुम पता है मैं आज कितनी खुश हूँ. फखर साहब ने खास तौर पे मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरे एजाज में डिनर रखा. एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे गाड़ी तक गिफ्ट की है. कैन यू इमेजिन? अगर भाई जिंदा होते ना, तो वो भी मेरी खुशी में बहुत खुश होते. यस.
आई होप मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया. ये तुम्हारे लिए. आई एम सो सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट आई होप तुम इसी तरह राइज एंड शाइन करो. आमीन. सेहत छोड़ दो ना आप गुस्सा, आयरा की खुशी में खुश हो जाओ. और आयरा तुम प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम हमारी भी कोई जीत होगी तो तुम भी ऐसे ही खुश होगी. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. चलो गुड नाइट. तुम नाराज हो मुझसे? मुझसे गुस्सा हो? कंग्रेचुलेशंस. डिनर किया तुमने? भूख नहीं है. अच्छा फ्रेश हो जाओ. मैंने भी कुछ नहीं खाया. साथ मिलके डिनर करते हैं. किस सोच में गुम हो गई है मेरी बेटी? डैड आप मेरी उनसे मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं? Why not, बेटा? मैंने तुम्हें अभी बताया, he is a childhood friend of mine, मेरा क्लास फेलो है स्कूल के जमाने का. परफेक्ट डैड. हम कब मिल सकते हैं उनसे? तुम मिलना कब चाह रही हो? डैड आज अभी कल जितना जल्दी पॉसिबल हो. मैं टेक्स्ट करता हूँ अभी उसको. डैड कॉल करें ना आप उन्हें. तुमने आसिफ से बात की? नहीं डैड. बेटे ये बहुत बड़ा स्टेप है. He is our partner. You must talk to him. डैड मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूर. बेटे मैं तो I am there for you all the time. उनकी एक बहू ने उनको शॉक दिया है. मैं बस उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ. डैड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही है ना जिनके बेटे का केस चला था मुलाजमा के साथ. याद है काफी न्यूज बनी थी. I don't want to talk about it, beta. मुझे मेरा दिल घबराता है ऐसी बातों से. अच्छा relax. आप call करें ना उन्हें. मैं अभी message भेजता हूँ. Dad, come on. आपके बचपन के दोस्त हैं, आप इतना formal क्यों हो रहे हैं? Call करें, उठा लेंगे आपकी call. It's office time anyway. My. मैंने जो आप लोगों को pointers दिए थे, आप लोग follow कर रहे हैं ना? हाँ जी. How's it going? Sir, lovely, perfect. Inshallah, we will meet all our targets on time. चलो, that's good. Keep it up. Thank you. It is not possible. I'm sorry. अगर जाफर मुझे ये बात पहले बता चुका होता तो मैंने उसको फोन पे मना कर देना था. तुम्हें आने की जहमत भी उठानी नहीं पड़ती. आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. हाँ ठीक है, लेकिन एक बार डील हो चुकी है. इस डील से बैक ऑफ कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे आपका बेटा बैक ऑफ कर गया था. आप ही ने हेल्प की थी ना उसकी. वैसे वो न्यूज़ तो आपको याद ही होगी जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, #justiceforalimansir. जितने भी ब्लॉगर्स ने आपके बेटे के फेवर में वीडियोस बनाई थी, डैड के कहने पर मैंने ही उनसे वो शाउटआउट रिकॉर्ड करवाए थे. हालांकि केस बहुत बड़ा था लेकिन पूरा सोशल मीडिया खामोश हो गया था. मुबशरा, आर यू ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी या फिर रिटर्न हासिल करना चाह रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही हूँ. सिर्फ फेवर चाहिए आपसे, वो भी मुफ्त में नहीं. खाली हाथ ही रहेंगे आप. और मैं यहाँ खुद चलकर आपके पास आई हूँ, खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊंगी.
लेके आइए. डील डन. मुबाशर आप बेटा, क्या बात है, तुम नाश्ते पे नहीं आई? बस वो मूड नहीं था. मूड नहीं था या मूड ठीक नहीं है? नहीं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बस कॉफी ली है मैंने. आई श्योर? यस यस. गुड. आर यू श्योर? कब आई कंफर्मेशन? चलो ओके कूल. ओके आ रहा हूँ. थैंक यू. ज़ाद, क्या हुआ? कैन नॉट बिलीव दिस. व्हाट हैपेंड? यू गॉट इट? ओह रियली? या. द कॉन्ट्रैक्ट? या. ओह माय गॉड. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. What a wonderful morning it is, Kamal. Wow. Zed, मुझे ऑफिस जाना है. It's an emergency. बॉस ने बुलाया. I'll see you. Okay. असली और खरे की पहचान तो देर सवेर हो ही जाती है, है ना? Excuse me. अरे इसको क्या हो गया? कैसा लगा आपको सरप्राइज? आयरा का चेहरा देखा, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे फखर के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस देना, वो देख के जो सुकून मिला है, आई कांट इवन टेल यू. एक और सरप्राइज है आपके लिए. एक और? बताओ, शेयर इट. थोड़ा सा वेट कीजिए, पता चल जाएगा. इफ यू इंसिस्ट, बट आई टेल यू व्हाट, आई ट्रूली कैन नॉट वेट. यू नो व्हाट, यू हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस लेटली. And I'm loving it. Thank you, Mubashra. Woo! Sir, I swear you have to believe me. मैंने किसी को कोई मेल नहीं भेजी. मैं किसी से नहीं मिली हूँ, सर. देखो आरा, तुम्हारा लिहाज रखते हुए मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन तुम ये बात डिनाई नहीं कर सकती कि अपने इन लॉज को खुश करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है. जानबूझ के हमारे प्रोजेक्ट के ऐसे ऐसे फ्लॉज निकाले जो पहले नजर ही नहीं आए. उन फ्लॉज की ईमेल है मुजफ्फर के पास. क्यों किया तुमने ये? व्हाई? ताकि आसिफ की कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाए, इसीलिए? सर ये झूठ है. आप गवाह है, मैंने कितनी मेहनत से ये प्रपोजल तैयार किया था. I can never do something like this. Sir, you have to believe me, please. किया था, सब मेरा भरोसा हासिल करने के लिए किया था. अफसोस, आज तक मेरी और मेरी कंपनी की कभी ऐसे इंसल्ट नहीं हुई. किसी ने मुझे डिग्रेड नहीं किया जैसे मैं तुम्हारी वजह से अब हुआ हूं. मतलब है कि प्रोजेक्ट मिलता ना मिलता कोई बात नहीं, लेकिन मिलने के बाद हाथ से वो ऐसे निकलना. यू आर फायर. तुम जा सकती हो. गुड बाय. फाइल टैली करी? Yes. अगर नहीं भी किया तो आधे घंटे में दे देना मुझे फाइल टैली, उसको जमा करवाना है. सही है?
मुझे तो पहले से ही पता था। She is a spy of Asif Industries. जो भी हुआ फखर सर के साथ बहुत बुरा हुआ है। भाभी, मैं जो काम ईमानदारी से करती हूँ वो मेरे ही गले पड़ जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं होती आयरा, ना ही ऐसा बोलते हैं। तो फिर किसे इल्जाम दूं मैं? इंसान तो सांप की तरह गायब हो जाते हैं, ले दे के पीछे बचती है किस्मत की लकीर पीटने को। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। आयरा, सैद का फोन आ रहा है, रिसीव करो। नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा। अब तक तो खबर पूरी मार्केट में फैल चुकी होगी। पता नहीं खुश हो के कॉल कर रहे हैं या हमदर्दी में। हरा, कहां चला गया तुम दोनों का रिलेशनशिप? तुम दोनों एक दूसरे से बदजन और कुछ नहीं है, इसलिए दूरियां आ गई, फासले आ गए हैं। मुझे लगता है कि अच्छा ही हो रहा है, इसी वजह से तुम लोग एक दूसरे के करीब आ जाओगे बहुत जल्द, और ये फासले भी हट जाएंगे। और मेरी जिल्लत का क्या जो उस घर में होगी? क्या बात कर रही हो आयरा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, हस्बैंड के सामने कैसी जिल्लत? मैं सिर्फ एक बीवी नहीं हूं, एक बहू भी हूं, एक सौतन भी। और मेरे सबसे बड़े हरीफ मेरे ससुर और मेरी सौतन है। मैंने वो तालियां सुनी हैं जो वो लोग मेरी हार पे ख्याल ही ख्याल में बजा रहे। Well done. Well done. Yes? Come down. Mubashara. I believed that really तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो और एक बिजनेसमैन की बहू और एक बिजनेसमैन की बीवी। कोर्स से याद आया, वैसे ज़ैद है कहाँ? गया होगा आयरा को कंसोल करने। लगता है ये बारियां लगती रहेंगी, कभी वो हमें आंसू देगी और कभी हम उसे, और ज़ैद कभी हमारे आंसू पोछेगा और कभी उसके। वैसे कितना अरसा लगेगा? किसको अंकल? उसके जाने में।
मेरा मतलब है जो टाइम बॉम्ब प्लांट करता है सिर्फ उसी को मालूम होता है कि बम किस वक्त फटेगा। वो न्यूज में कहते हैं ना गैर मुअय्यना मुद्दत, आपकी हेयर स्टाइल चाहिए। उनको बिठाओ। ओके मैम। मुबशरा, हमें ठीक 10 बजे वहां पहुंचना। प्लीज डोंट बी लेट। डोंट वरी अंकल, बस एक बार मैं आयरा का चेहरा देख लूं। और आप इस वक्त स्टडी में क्यों नहीं है? मैं सोचा मैं भी आयरा का चेहरा देख लूं।